कुरान में नूर को और किताब को एक साथ क्यों बयान किया? नूर को और किताब को दोनों को एक साथ अल्लाह ताला ने कुरान में क्यों बयान किया, इसमें क्या हिकमत है? वो हिकमत मैं आप तक पहुंचाऊंगा। दूसरी बात ये बयान करूंगा, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया तो भेजा लास्ट में क्यों? भेजा लास्ट में क्यों? दो बातें। तीसरी बात ये बयान करूंगा कि मेरे नबी का मर्तबा, मेरे नबी की शान क्या है। चौथी बात यह बता दूंगा कि मेरे नबी के मां बाप का मर्तबा क्या है, मां बाप की शान क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि नबी के मां बाप कलमा नहीं पढ़े थे, मुसलमान नहीं थे। कुछ लोग कहते हैं, आज मैं साबित करूंगा कि मेरे नबी के मां बाप का मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है, वो मोमिन हैं या नहीं है। ये चार बातें हो गई। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए, पांचवी बात यह बताना चाहूंगा कि नबी के मीलाद की खुशी मनाना कैसा है। हम लोग मीलाद, जैसे कल बारहवीं शब है, अरे बैठिए चुपचाप से, कल बारहवीं शब है, बोलो कल आप क्या बनाएंगे? जोर जोर से बोलो, हलवा बनाएंगे, बिरयानी बनाएंगे, अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे, दोस्तों को खिलाएंगे, नबी के मीलाद की खुशी मनाएंगे। ये खुशी मनाना हदीस से साबित है या नहीं? कई बातें हो गई, जल्दी बोलो। पांच। छठवीं बात ये बयान करूंगा कि जुलूस निकालना, झंडा झंडी लगाना हदीस से साबित है या नहीं? कई बातें हो गई, जल्दी बोलो। छह। सातवीं बात यह बयान करूंगा कि मेरे नबी का चेहरा कैसा था, मेरे नबी की आंखें कैसी थी, मेरे नबी का कद, कद हाइट, हाइट मेरे नबी का कैसा था, मेरे नबी का चेहरा मोरा कैसा था, मेरे नबी कैसे चलते थे, वो सब मैं हदीस से बयान करूंगा। फिर आठवें नंबर पर यह बयान करूंगा कि मेरे नबी के पास जब मलकुल मौत आए, कौन आए जल्दी बोलो, मलकुल मौत, मौत वाले फरिश्ते, तो नबी के पास किस तरह से आए, किस शान से आए? क्या आम लोगों के पास जैसे आते हैं, क्या वैसे ही नबी के पास आए, या कुछ आने का तरीका उनका अलग था? वो हदीस भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। नौवां नंबर, मैं नौवीं बात यह बयान करूंगा कि नबी कब्र में जिंदा हैं या नहीं है। जो जिंदा ना माने वो मुसलमान कहलाने का हकदार है या नहीं है। ये सारी बातें, बस 9-10 बातें आपको सुननी है, कोई उठ के जाएगा नहीं। माँ बहन भी चुपचाप से बैठे, हमारे बच्चे लोग भी बैठे, हमारे बुजुर्ग लोग भी बैठे, और मदरसे के जितने तलबा हैं वो भी चुपचाप से बैठे, इधर उधर नहीं करेंगे, वरना आने वाले साल में किसी को इनाम नहीं मिलेगा, आने वाले साल में किसी को इनाम नहीं मिलेगा। चुपचाप से बैठिए, तकरीर सुनिए। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता बुआ का मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फ़र्श की तीब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफी मैशर साकी कौसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत कल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाबू लोग, आप लोग अपने अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। तकरीर के दौरान मुझको डिस्टर्ब नहीं कीजिए, न बिल्ली लगाइए न बिल्ला लगाइए। अरे जोर से बोलो, ये बिल्ला है, बिल्ला
है ना, तो न तो बिल्ला लगाने की ज़रूरत है न बिल्ली लगाने की ज़रूरत है। मैं आपके फिरोजपुर में हूँ ये आपको पता है, चुपचाप से बैठिए, इजाज़त है। शेर मुलायजा फरमाए, इधर देखिए शेर मुलायजा फरमाए। शायर लिखता है मकामे सैयद कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयद कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। फिरोजपुर के मुसलमान, कलियाचक के मुसलमान, पूरे मालदा बंगाल के मुसलमान, मेरी तरफ देखो। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरु व किताबुम मुबीन, इसका सीधा साधा मतलब ये है, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मुझे मालूम है कि गर्मी ज्यादा है, अरे बोलो मुझे मालूम है कि गर्मी ज्यादा है। एक गलती आप लोगों ने की है, वो गलती क्या की है बोलिए। ये पिंडाल गर्मी में लगाने की जरूरत नहीं थी, ताकि बोलो ये खुली जगह रहती तो हवा चारों तरफ से आती, लेकिन आपने पिंडाल लगाया, अच्छी बात है, मोहब्बत में लगाया है, सवाब का काम है, लेकिन ये गर्मी है इसीलिए देख रहे हैं सबको गर्मी लग रही है, बर्दाश्त करके रहिए। मुझको भी गर्मी लगेगी, बर्दाश्त करना है। मुझको पसीना आए तो मेरे पसीना को देखकर आपको हैरत नहीं करना है, जब बिना बोलिए लोग बैठे हुए उनको पसीना आ रहा है तो तकरीर में तो और पसीना आएगा, तो बिल्कुल अदब से बैठिए। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, कुरान कहता है कि बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया, जोर से बोलो क्या आया, नूर आया, और क्या आया, जोर से बोलो, नूर आया और रोशन किताब, यानी मतलब बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और एक रोशन किताब आई, एक रोशन, जोर से बोलो, एक रोशन किताब। इधर देखिए, नूर का मतलब मेरे रसूल, हाथ उठाकर बोलो, नूर का मतलब, और किताब का मतलब कुरान मुकद्दस, जोर से बोलो, किताब का मतलब। अल्लाह ने नबी को क्या कहा, जोर से बोलो, नूर, और कुरान को क्या कहा, जोर से बोलो, किताब, अरे बोलो कुरान को क्या कहा और अल्लाह ने नबी को क्या कहा, नूर। मेरी तरफ देखिए, अल्लाह ने अपने नबी को नूर फरमाया और कुरान को क्या कहा, जोर से बोलो, किताब। इसका मतलब क्या है, मेरी तरफ देखिए, आप जब दुनिया में कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको रोशनी की जरूरत पेश आती है, आप जब दुनिया में कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको लाइट की जरूरत पेश आती है, आप जब दुनिया में कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको चिराग की जरूरत पेश आती है, आप दिन में सूरज की रोशनी में पढ़ते हैं, अरे बोलो, दिन में सूरज की रोशनी में पढ़ते हैं, और जब सूरज डूब जाता है तो रात में लाइट जलाकर पढ़ते हैं, अगर लाइट नहीं है तो चिराग जलाकर पढ़ते हैं, चिराग नहीं है मोमबत्ती जलाकर पढ़ते हैं। आप अंधेरे में पढ़ना चाहेंगे नहीं पढ़ सकते, अंधेरे में समझना चाहेंगे नहीं समझ सकते, तो किताब को समझने के लिए, जोर से बोलो, रोशनी की जरूरत है, किताब को समझने के लिए रोशनी की जरूरत है। मेरी तरफ देखो, ये तो आम किताबों का मामला है, तुम दुनिया में जब कोई किताब पढ़ते हो तो सूरज की रोशनी में समझ लेते हो, लाइट की रोशनी में समझ लेते हो, चिराग की रोशनी में समझ लेते हो, लेकिन रब फरमाता है बंदो, अगर कुरान को समझना है तो सिर्फ सूरज की रोशनी में मत पढ़ना, सिर्फ चिराग जलाकर मत पढ़ना, सिर्फ लाइट और मोमबत्ती में मत पढ़ना, अगर कुरान को समझना चाहते हो तो मेरे महबूब के इश्क की शम्मा जलाकर कुरान पढ़ना। रब फरमाता है मेरे बंदो, ध्यान से सुनिए,
रब फरमाता है मेरे बंदो आम किताबों को तुम सूरज की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, चिराग की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, लाइट की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, लेकिन कुरान को समझना चाहते हो तो सिर्फ सूरज की रोशनी में मत पढ़ना, सिर्फ चिराग जलाकर मत पढ़ना, सिर्फ लाइट जलाकर मत पढ़ना। अगर कुरान को समझना चाहते हो तो मेरे महबूब के इश्क की शम्मा जलाकर कुरान पढ़ना। कुरान समझते भी जाओगे, कुरान पढ़ते भी जाओगे। बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब, तो दोनों से रिश्ता जरूरी है। हाथ उठाकर बोलो दोनों से रिश्ता, और जोर से बोलो दोनों से रिश्ता। कुरान से भी रिश्ता जरूरी, और जोर से बोलो कुरान से भी रिश्ता जरूरी और नबी से भी रिश्ता। हाथ उठाकर बोलो नबी से भी। इधर देखिए, दोनों से रिश्ता जरूरी है। कुरान को समझना है तो रसूल से समझो, और रसूल को समझना है तो किससे समझो? कुरान से समझो। किसी अंगूठा छाप मौलवी से मत समझो, कम पढ़े लिखे मौलवी से मत समझो। तुम मुसलमान के बच्चे हो, अगर नबी को समझना चाहते हो तो खुद कुरान खोलो और कुरान से पूछो मेरे नबी कैसे थे, तो कुरान आपको जवाब देगा। नबी इंसान जरूर है, नबी बशर जरूर है, मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं है, तुम्हारे मौलवी मौलाना की तरह नहीं है, आम बाजारू लोगों की तरह नहीं है। रसूल बशर जरूर है, मगर ऐसे बशर है कि बशर भी है बशीर भी है, बशर भी है नजीर भी है, बशर भी है ताहा भी है, बशर भी है यासीन भी है, बशर भी है मुसम्मिल भी है, बशर भी है मुदस्सिर भी है, बशर भी है रसूल भी है, बशर भी है महबूब भी है, बशर भी है नूर भी है। ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। बात समझ में आ रही है कि उल्टी पलटी घूम रही है? अरे बोलो समझ में आ रही है? हाथ उठाओ तो हाथ नीचे करो। इधर देखो, मेरी तकरीर को ध्यान से सुनोगे तो कोई मच्छर आपको परेशान, अरे बोलो मच्छर परेशान। आजकल बहुत इधर देखिए, आजकल मच्छर सुन्नी को बड़ा परेशान कर रहा है। अरे बोलो किसको? सुन्नी को मच्छर बड़ा परेशान कर रहा है। इधर देखिए, हर पार्टी वाला अपना अपना धुआं छोड़ रहा है, लेकिन मच्छर मरने का नाम। हाँ तो जाग कर रहिए, जाग कर। मच्छर उसी वक्त हमला करता है जब नींद आती है, जब तक जागा रहता है मच्छर जल्दी उस पर हमला नहीं करता। तो मेरी तरफ देखिए, दोनों से रिश्ता जरूरी है। रसूल को समझना है तो कुरान से समझो, और कुरान को समझना है तो किससे समझो? जोर से बोलो रसूल से। अच्छा एक बात बताइए, ये लाइट जो चल रही है, एक तार का कमाल है कि दो तार का? जोर से बोलो, थोड़ी आवाज और बढ़ाओ। ये लाइट जो चल रही है, एक तार का कमाल है कि दो तार का? दो तार का ना। ये बहुत बड़े मिस्त्री बैठे हैं माइक वाले भाई, क्या एक तार से लाइट जला देंगे? नहीं जला सकते। तो इधर देखिए, आप लाइट में जो देख रहे हो कि रोशनी है, ये रोशनी कई तारों से है? जोर से बोलो, दो तारों से। एक तार से रोशनी, बल्ब नहीं जलेगा। अरे बोलो बल्ब नहीं जलेगा, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। तो मेरी तरफ देखिए, जैसे लाइट के लिए दो तारों की जरूरत है, ऐसे ही आपका जो दिल है, दिल, इस दिल को भी दो तारों की जरूरत है। इधर देखिए, आप अगर चाहते हैं कि आपका दिल रोशन रहे, आपका दिल चमकदार रहे, आपका दिल खूब रोशन रहे, तो दिल का एक तार कुरान से जोड़ो, दूसरा तार मुस्तफा से जोड़ो। जब दोनों तार जुड़ा रहेगा तो सीना भी रोशन रहेगा, ईमान भी रोशन रहेगा। कद जाएकुम मिनल्लाह नूरु व किताबुम मुबीन। अच्छा ये बताइए,
बार बार तार जोड़ने से और हटाने से फ्यूज होने का खतरा रहता है ना। अरे बोलो बोलो, बार बार कोई इधर देखिए, कभी जोड़े और कभी तार को क्या करे, हटा ले, तो बोलो हो सकता है कि फ्यूज हो जाए। ऐसे ही कुछ मच्छर लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो अपने दिल का तार कभी हदीस से जोड़ते हैं, कभी कुरान से जोड़ते हैं और कभी तार को हटा लेते हैं। इसीलिए इधर मेरी तरफ देखिए, इसीलिए उनका दिल बोलो फ्यूज हो जाता है। जब बल्ब कम फ्यूज होता है तो अंदर काला रहता है, और जब ज्यादा फ्यूज होता है तो अंदर बाहर दोनों काला। इधर देखिए, जो लोग चाहते हैं कि मेरा दिल भी रोशन रहे, मेरा चेहरा भी रोशन रहे, तो दिल का दोनों तार मजबूती से जुड़ा होना चाहिए। कुरान से भी जोड़ो और मुस्तफा से भी जोड़ो, ताकि सीना भी रोशन रहे, ईमान भी रोशन रहे। अच्छा एक बात और बताइए, इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। 5 मिनट में आपको हदीस सुनाऊंगा, लेकिन एक बात और बताइए, ये बताओ अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया। अरे बोलो पैदा किया ना। सारे उलमा हदीस बयान करते हैं, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुल हक साहब ये भी हदीस बयान करते हैं, सारे उलमा बयान करते हैं कि अल्लाह ने नबी के नूर को जोर से बोलो हर चीज से पहले पैदा किया। तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि सबसे पहले पैदा किया तो भेजा आखिरी में क्यों? बोलो भेजा लास्ट में क्यों? पहले पैदा किया तो पहले क्यों नहीं भेजा, आखिरी में क्यों भेजा? आप इसको समझना चाहते हैं तो एक मिसाल समझिए। मिसाल इधर देखिए, आप जब कोई प्रोग्राम करते हैं, क्या करते हैं जल्दी बोलो, प्रोग्राम, तो प्रोग्राम में क्या छपवाते हैं जल्दी बोलो, पोस्टर। अरे बोलो पोस्टर छपवाते हैं ना। जो बहुत बड़े हस्ती होती है उनका नाम सबसे ऊपर होता है। इधर देखिए, दावत दिया सबसे पहले, तारीख लिया सबसे पहले, ऐलान करवाया सबसे पहले, पोस्टर में नाम दिया सबसे पहले, लेकिन मंच पर कब आए? अरे बोलो मंच पर कब आए, जोर से बोलो, लास्ट में। मेरी तरफ देखिए, आपने बहुत बड़ी हस्ती को जब दावत दिया तो दावत पहले दिया, तारीख पहले लिया, नाम उनका पोस्टर में पहले छपा, ऐलान पहले हुआ, लेकिन मंच पर बाद में लाया, ताकि लोगों को पता चल जाए कि इनकी शान क्या है, इनका मर्तबा क्या है, इनका मकाम क्या है। मेरी तरफ देखिए, अब जितने वक्ता उनसे पहले आए, जितने वक्ता उनसे पहले आए, सब ने लोगों को कहा आप लोग घबराइए नहीं, मैं 10 मिनट के लिए आया हूं, मैं 15 मिनट के लिए आया हूं। जिनका आपको इंतजार है वो आने वाले हैं। तो देखिए, अजीम हस्ती के नाम पर पूरा मजमा आया, अजीम हस्ती के नाम पर सारे लोग आए। अब जितने वक्त आए सब ने उन्हीं का तस्करा किया और कहा आप लोग बैठिए, मैं 10 मिनट के लिए आया हूं, मैं 15 मिनट के लिए आया हूं। मेरी तरफ देखिए, पोस्टर में सबसे पहले नाम, दावत दिया तो सबसे पहले, ऐलान किया तो सबसे पहले, लेकिन स्टेज पर लाया सबसे लास्ट में, ताकि लोग उनके मकाम को पहचाने, ताकि लोग उनकी शान को पहचाने, ताकि लोग उनके मर्तबा को पहचाने। जब आप समझ गए तो अब समझो अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, लेकिन पहले भेजा आदम को, पहले भेजा नूह को, पहले भेजा मूसा को, पहले भेजा ईसा को, पहले भेजा 124,000 पैगंबर को। इसलिए भेजा ताकि ये लोग दुनिया में जाकर मेरे महबूब का प्रचार करें, मेरे महबूब का चर्चा करें, मेरे महबूब का तस्करा करें, मेरे महबूब की बशारत दे, मेरे महबूब की तारीफ करें। और जब मेरा महबूब आखिरी में जाए, लास्ट में जाए, तो दुनिया वालों को पता चल जाए कि अब तक जितने नबी आए हैं वो मुक्तदी बनकर आए हैं, अब जो आ रहे हैं ये नबियों के इमाम आ रहे हैं, सैयदुल अंबिया आ रहे हैं। बेशक अल्लाह की जानिब से
एक नूर आया और रोशन किताब। इधर देखिए, अगर नूर को समझना है तो रसूल से समझो, और रसूल को समझना है तो ज़ोर से बोलो कुरान से समझो, और कुरान को समझना है तो रसूल से समझो। बाबू लोग इजाज़त है? अगर इजाज़त, कहीं जाना तो नहीं आपको? कहीं जाना तो नहीं? नहीं जाना है, जाना है तो छुट्टी है, और नहीं जाना है तो चुपचाप से बैठिए। इजाज़त है? जल्दी बोलो इजाज़त है। अब मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूँ, इजाज़त है? पहले वो हदीस जिसमें नूरे मुहम्मदी के जलवे हैं, बाद में वो हदीस जैसे जैसे मैंने वादा किया है, वादे के मुताबिक तकरीर होगी। बेटा पांव फैला कर मत बैठो, अब आप हदीस सुनो चुपचाप से, माशाल्लाह तबीयत मचल जाएगी, सारा मजबा। अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह गौर से सुनो, मुस्तदरक लिल हाकिम किताबु तारीख जिल्द सानी सफा नंबर 615 अन उमर इब्न अल खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما اقترف آدم الخطية فقال يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي فقال الله تعالى يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلق فقال آدم يا ربي لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك فرفعت راسي فرأيت على قوائم الأرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال الله تعالى يا آدم صدقت إنه لا أحب الخلق إلي أدوني أدوني بحقي قد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ادھر دیکھیے، ابھی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی، کس کتاب کی حدیث سنائی جلدی بولو؟ مستدرک للحاکم کتاب التاریخ جلد نمبر کتنا جلدی بولو بابو، جلد نمبر کتنا جلدی بولو؟ ارے جلد نمبر 2، پیج نمبر کتنا جلدی بولو؟ پیج نمبر کتنا؟ 615. یہ وہ کتاب ہے جو بخاری اور مسلم کے ٹکر کی کتاب ہے. یہ علماء جانتے ہیں کہ مستدرک للحاکم میں جو حدیثیں نقل کی گئی ہیں، یہ امام بخاری اور امام مسلم کے شرائط پر حدیثیں نقل کی گئی ہیں. جن شرطوں کے ساتھ امام بخاری نے حدیثیں نقل کی ہیں، انہی شرطوں کے ساتھ مستدرک للحاکم میں بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں. میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا، اب مطلب سنیے بابو، دھیان سے سنیے ورنہ تقریر نہیں کر پاؤں گا. اگر آپ نے ذہن کو بہکایا تو ہو سکتا ہے کہ میں بول نہیں پاؤں. آپ چاہتے ہیں کہ صحیح تقریر ہو تو چپ چاپ سے بیٹھو، ادھر ادھر مت کرو. میں نے جو حدیث بیان کی، مطلب سنیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم علیہ، نبی نے فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا، ارے بولو جنت سے دنیا میں بھیجا آدم علیہ السلام کو، تو آدم علیہ السلام 300 برس تک روتے رہے. کیسے برس تک؟ زور سے بولو. 300 برس تک آدم علیہ السلام روتے رہے، تب آپ کی توبہ قبول ہوئی. ایک حدیث تو یہ ہے، لیکن مدارج النبوت میں کیا ہے؟ ادھر دیکھیے، آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت سے دنیا میں بھیجا تو آدم علیہ السلام، ادھر دیکھیے، آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے. 100 سال تک؟ زور سے بولو. 300 سال تک روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، روتے روتے چہرے میں نالیاں بن گئی، چہرے کا گوشت گل گیا، روتے روتے چہرے میں نالیاں بن گئی، چہرے کا گوشت گل گیا، آنسوؤں کے نشان پڑ گئے، روتے روتے 300 سال ہو گئے،
मगर तौबा मकबूल नहीं हुई। कई सौ साल हो गए। इधर देखिए, अगर मौलाना साहब दो दिन रोएंगे तो ये बेहाल हो जाएंगे, आप दो दिन रोएंगे तो बेहाल हो जाएंगे, और आदम अलैहिस्सलाम कितने दिन रोए, जोर से बोलो, 300 साल तक रोते रहे। रोते रोते इधर देखिए, चेहरे में जो आंसू बहते थे, आंसुओं से चेहरे का गोश्त गलकर इधर देखिए आंसुओं के निशान पड़ गए, नाली की तरह चेहरे में, बोलो, नालियां बन गई। मेरी तरफ देखिए, कैसे साल हो गए, जोर से बोलो, 300 साल। जब 300 साल हो गए तो एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा परेशान हुए, बहुत बेचैन हुए, दिल में सोचने लगे, या अल्लाह, मैं 300 साल से रो रहा हूं, तूने आज तक मेरी तौबा कबूल नहीं की, क्या बात है मौला। हजरत आदम दिल ही दिल में बहुत ज्यादा सोच करके परेशान होने लगे, बहुत परेशान। जब परेशान होने लगे, ध्यान से सुनिए, जब परेशान होने लगे, अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील जाओ जाओ आदम के पास जाकर आजान कहो, आदम के पास जाकर आजान कहो, ताकि आजान को सुनकर आदम के दिल को करार मिल जाए, आदम के दिल को सुकून मिल जाए, आदम के आत्मा को शांति मिल जाए। हजरते जिब्रील आए, अजान देने लगे, कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आप लोग भी जोर से बोलो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरते आदम ने भी कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरते जिब्रील ने कहा अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। हजरते आदम ने भी कहा अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन मजे की बात सुनो, मजे की बात सुनो, जैसे जिब्रील ने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा, जैसे जिब्रील ने मेरे नबी का नाम लिया, नाम सुनते ही हजरत आदम झूमने लगे, मचलने लगे, अल्लाह से रो रो के कहने लगे, या रब्बी या रब्बी, अल्लाह से रो रो के कहने लगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बेहक्के मुहम्मदिन लेमा गफरतली। अए मेरे परवरदिगार, मैं 300 साल से रो रहा हूँ, आंसू बहा रहा हूँ, तूने मेरी तौबा को कबूल नहीं किया, आज तेरी बारगाह में उस जात को वसीला बना रहा हूँ जिनका नाम मुहम्मद है। अल्लाह मुहम्मद के वसीले से मेरी तौबा को कबूल फरमा। क्या कहा? मोहम्मद के वसीले से मेरी तौबा को कबूल फरमा। जैसे हजरत आदम ने नबी का नाम लिया तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, सुनिए, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, या आदम, क्या कहा, जोर से बोलो, या आदम कैफ अरफ्त मुहम्मदन वलम अखलुकहु। ऐ आदम, मैंने अभी मोहम्मद को पैदा नहीं किया है, अभी दुनिया में नहीं भेजा है, तूने मोहम्मद को कैसे पहचान लिया, तूने मोहम्मद को कैसे पहचान लिया, तो हमारे तुम्हारे बाप ने अल्लाह से रो रो के क्या कहा, सुनो, अल्लाह से रो रो के यूं कहा, या रब्बी लम्मा खलक्तनी बियदिका व नफक्त फिया मिन रूहिका फरफ़अतु रौसी फरअईतु अना क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फअलिमतु अन्नका लम तुज़िफ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल खल्क़ इलैक। हमारे तुम्हारे बाप ने रो रो के अल्लाह से ये कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, जब तूने मुझे मिट्टी से तैयार किया, मुझ में रूह डाली, अचानक मैंने सर ऊपर उठाया, मैंने क्या देखा, जितने अर्श के खंबे हैं सब पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। जैसे मैंने अर्श के खंभों पर
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह देखा, उसी वक्त मैंने जान लिया, उसी वक्त मैंने जान लिया कि मोहम्मद तेरे महबूब हैं, मोहम्मद तेरे दुलारे हैं, मोहम्मद तेरे चहीते हैं। तो रब ने क्या कहा सुनिए, रब ने फरमाया या आदम सदक्ता इन्नौ ला हब्बुल खल्क इलैया उदौनी बिहक्की कद गफरतु लक। ऐ आदम, इसी लम्हे का इंतजार था, इसी वक्त का इंतजार था, अगर और भी पहले नाम ले लिए होते तो और भी पहले तौबा कबूल हो जाती, लेकिन तूने आज नाम लिया है, आज मेरे महबूब का जिक्र किया है, तो जाओ मुबारक हो, जाओ मुबारक हो, आज मैंने तौबा को कबूल कर लिया। ये है मेरे नबी की शान, क्या समझेगा बेईमान। अरे जोर से बोलो, क्या समझेगा, बोलो समझेगा वही जो होगा साहेब ईमान। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इधर देखिए, अभी तो अभी बहुत हदीस सुनाऊंगा लेकिन चुपचाप बैठेंगे तब। अब दूसरे नंबर पर हदीस सुनना चाहते हैं तो बाबू लोग ऐसे नहीं, जोश में आकर सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। गौर से सुनो, अल्लाह अल्लाह, मिश्कान शरीफ, जोर से बोलो मिश्कान शरीफ, जिल्दे सानी, बाबो फजाइले सैयदिल मुरसलीन, सफा नंबर 513, अनिल इरबाज बिन सारिया रदियल्लाहु तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اني عند الله مكتوب خاتم النبيين وان ادم لم ينجد في طينتي وساخبركم باول امري فدعوه ابراهيم وبشارته عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني فقد خرج لها نور أضاء لها منه قصور الشام। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जो भी हदीस सुना रहा हूं, गलत साबित करने पर 5 लाख रुपए। ए बाबू लोग ध्यान दो, ध्यान दो, इधर देखो, अभी मैंने कई हदीस सुनाई, जल्दी बोलो। अरे बोलो दो, अरे बोलो पहले, और ये दूसरे नंबर पर गौर से सुनो, हर हदीस पर इनाम, गलत साबित करो तो इनाम पाओ लेकिन गलती साबित नहीं कर सकते। इधर देखिए, तुम धोखेबाज हो, हम सुन्नी धोखेबाज, अरे बोलो हम सुन्नी धोखेबाज, हम नमक रोटी खाते हैं ईमान बचाते हैं, और तुम लोग मुर्गा मछली खाते हो, अरे बोलो, और अपना ईमान लुटाते हो। हम ईमान लुटाने वाले नहीं, बचाने वाले हैं। ऐ बाबू लोग, मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए इस हदीस को, मतलब सुनिए इस हदीस का, अगर मतलब सुन लेंगे तो कसम खुदा सीना रोशन होगा। इधर देखिए सुनिए, नबी इरशाद फरमाते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे गुलामों सुन लो, मैं उस वक्त भी नबी था, मैं उस वक्त भी नबी था, खातिमुन नबीयीन था, जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। नबी फरमाते हैं, मैं इब्राहिम की दुआ हूँ, ईसा की बशारत हूँ, मैं अपने माँ का वो खूबसूरत मंजर हूँ, मैं अपनी माँ का वो खूबसूरत नजारा हूँ जो मेरी माँ ने देखा था। मेरी माँ ने क्या देखा, जिस वक्त मैं पैदा हुआ मेरी माँ ने ये देखा, उनके बदन से नूर निकला, उनके बदन से नूर निकला, और उस नूर ने मक्का से बैतुल मुकद्दस तक सारी चीजों को रोशन कर दिया। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। नबी क्या फरमाते हैं, जल्दी बोलो। नबी फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के, बोलो पानी और मिट्टी के दरमियान थे। दरमियान का मतलब, अभी मिट्टी रखी है, पानी अलग है, अभी मिट्टी गूंधी नहीं गई, अभी ढांचा बना नहीं, सब कुछ अलग है,
नबी फरमाते मैं उस वक्त भी नबी था और खातिमुन नबीयीन था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। सुन लो, मैं इब्राहिम की दुआ हूँ, ईसा की बशारत हूँ और मैं अपने माँ का वो खूबसूरत नज़ारा हूँ, नज़ारा जो मेरी माँ ने मेरी पैदाइश के वक्त देखा था। क्या देखा? जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने देखा कि उनके बदन से एक नूर निकला। क्या निकला? जोर से बोलो, उनके बदन से एक नूर निकला और उस नूर ने मक्के से लेकर बैतुल मुकद्दस तक हर चीज को रोशन कर दिया। ये तो एक हदीस है, इजाजत दीजिए तो लगी लगाई दूसरी हदीस भी जल्दी से सुना दूं। सिर्फ हदीस और उसका मतलब, गौर से सुनिए। अब मैं आपको तीसरी सुना चुका हूं, अब चौथे नंबर की हदीस सुनिए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, इधर देखो, ध्यान से सुनो। अल्लाह अल्लाह, मिश्क खसाए से कुबरा जिल्दे अव्वल सफा नंबर 124। عن العباس رضي الله تعالى عنه قال قالت آمنة رضي الله تعالى عنها قالت إن الله تعالى كشف عن بصري فرأيت مشارق الأرض ومغاربها ورأيت ثلاثة آلام مضروبات آلاما بالمشرق وآلاما بالمغرب وآلاما على ظهر الكعبة। حضرت عباس حضور کے چچا کہتے ہیں کہ مجھ سے آمنہ نے بیان کیا, नबी की अम्मी जान ने बयान किया। नबी की अम्मी जान ने कहा कि जब मेरा बेटा मोहम्मद दुनिया में आया तो मैंने क्या देखा, मेरे बदन से एक नूर निकला, एक रोशनी निकली जिसने मशरिक और मगरिब को रोशन कर दिया। फिर मैंने क्या देखा, फरिश्ते तीन झंडे लेकर आए, एक झंडा पूरब में लगाया, दूसरा झंडा पश्चिम में लगाया और तीसरा झंडा काबे की छत पर लगा दिया। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बाबू लोग इधर देखिए, कुछ लोग कहते कि झंडा लगाना हदीस से साबित। मैंने आपको हदीस सुनाई, उनको कहिए गलत साबित करो, मुंह मांगा ही ना। आज के बाद से कोई कहे कि हदीस से साबित नहीं तो सीधे जवाब दीजिएगा कि झंडा तो हदीस से साबित है मगर तुम हदीस से साबित नहीं हो। अरे बोलो, आज के बाद से अगर कोई कहे कि झंडा हदीस से साबित नहीं है तो क्या जवाब दोगे? जल्दी बोलो कि झंडा तो हदीस से साबित है मगर तुम इतने बड़े मर्दूद हो कि तुम हदीस से साबित। अब तुम फैसला करो कि तुम ओरिजिनल हो के डुप्लीकेट हो, वो तुम जानो। लड़ना नहीं है किसी से, लड़ने का वक्त नहीं है, लड़ने वाला पागल है पागल। बच्चे को बैठाइए, बैठो बेटा जल्दी बैठ। लड़ने वाला पागल है पागल। लड़ना आए तो लाठी बांस से मत लड़ो, दिमाग से लड़ो, दिमाग से। इधर देखिए, अंगूठा छाप आदमी, इधर देखिए, अंगूठा छाप आदमी उन लोगों में छोटी छोटी किताब लेकर के हदीस बयान करेगा। क्या कहेगा? हदीस। इधर देखिए, और उनको पता ही नहीं कि हदीस किसको कहते हैं, हदीस की कितनी किस्में हैं। अरे बोलो, हदीस की क्या क्या क्वालिटी है, रावियों की कितनी किस्में हैं, इनको खुद पता नहीं है। हदीस की जानकारी ले, लेकिन दावा इतना लंबा करेंगे जैसे लगता है कि दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा आदमी यही है। आज के बाद से कोई ऐसा कहे तो धोखा मत खाइएगा। इधर देखिए, हजरत आमना क्या कहती हैं कि जब नबी दुनिया में आए तो फरिश्ते कई झंडे लेकर आए। जोर से बोलो, अरे बोलो कई झंडे, एक झंडा कहां लगाया जल्दी बोलो, पूरब में, जोर से बोलो, और दूसरा झंडा कहां लगाया पश्चिम में, और तीसरा झंडा कहां लगाया काबे की छत पर। इधर देखिए, हम लोग झंडा लगाते हैं, हम लोग झंडा लगाते हैं, ये हदीस से साबित है और झंडा लगाने से शान बढ़ती है। एक और हदीस, चार हदीस सुना चुका, अब पांचवी हदीस झंडे के ऊपर, झंडे के ऊपर एक और हदीस सुन लीजिए। कसम खुदा कलेजा हिल जाएगा, कोई उठ के जाएगा नहीं,
बर्दाश्त करो बर्दाश्त, मौलाना रब्बानी आपको बार बार नहीं मिलेंगे, इसलिए के अरे बोलो मौलाना आपको बार बार नहीं मिलेंगे, गर्मी है तो बर्दाश्त कीजिए, मुझको पसीना है मैं बर्दाश्त करूंगा। हमारे डॉक्टर साहब तशरीफ रखिए, इजाजत है तो मैं पांचवी हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। गौर से सुनो, मिश्कान शरीफ जिल्द सानी बाबो फजाइल सैयदुल मुरसलीन सफा नंबर 513 अन अबी सईदिन अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يوم زين آدم فمن سواه إلا تحت لوائي فلا فخرا وانا أول شافعين ومشفعين ولا فخرا وفي رواية أخرى أنا إمام النبيين ولا فخرا। زور سے بول دو سبحان اللہ। اے بابو لوگ اجازت ہے क्या आप लोग थक गए? अरे बोलो थक गए, अरे बोलिए थक गए। हाजी साहब आप थके तो नहीं? अच्छा ये बताइए, अब तक मैंने हदीस बयान किया कि कुछ और बयान किया? अरे बोलो ये कई हदीस है? अरे बोलो पांच। हवाला भी दिया ना? अरे बोलो हवाला भी दिया, पढ़ के भी सुनाया। इधर देखिए, इधर देखिए, मैं घड़ी पान के तकरीर नहीं कर रहा हूं, जब तक आपका चेहरा देखूंगा तकरीर करूंगा। और जब देखा कि चेहरा मुरझा गया तो तकरीर बंद। तो चेहरा को आप सही रखिए ताकि मुझको तकरीर करने में मजा आए। मेरी तरफ देखिए, मैंने आपको पांचवी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा, मतलब सुनिए। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं। क्या कहा? जोर से बोलो, नबी ने फरमाया, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा, कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा, मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे, मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ्फा भी मैं बनूंगा, मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम नबियों का इमाम हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। अच्छा एक बात बताइए बाबू लोग, ए मेरे बच्चे, माशाल्लाह बाबू ठीक से सुनिए, इजाजत है? अच्छा ये बताइए, हम लोग झंडा कई मीटर का लगाते हैं? अरे बोलिए, हम लोग मोहल्ले में जो झंडा लगाते हैं कई मीटर का है? अरे जोर से बोलो ना, क्यों हजरत? मौलाना साहब बोल रहे हैं दो मीटर, दो मीटर का तो झंडा। अरे बैठिए, ये लीजिए मदरसे को दिया इन्होंने, मेरी तरफ देखिए, कई मीटर का झंडा लगाते हैं जल्दी बोलो? ज्यादा से ज्यादा दो मीटर। इधर देखिए, ये लोग दो मीटर का झंडा देखते हैं तो इनका कलेजा फट जाता है। और कयामत में अल्लाह नबी के हाथ में इतना लंबा चौड़ा झंडा देगा। अरे बोलो, अल्लाह कयामत में नबी के हाथ में, जोर से बोलो, इतना लंबा चौड़ा झंडा देगा कि दुनिया में जितने नबी आए हैं सब उसी झंडे के साए में होंगे। जोर से बोलो, उसी झंडे के। ये हदीस कहां है जल्दी बोलो? मिश्कात शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 513। गलत साबित करने पर 5 लाख का इनाम, लाओ झोला भरो पैसा। लेकिन इनकी अम्मी ने दूध नहीं पिलाई है, ये पीठ पीछे तो बोलेंगे लेकिन मौलाना रब्बानी से पंगा नहीं लेंगे। इनको मालूम है कि ये मौलवी जो बोल रहा है बिल्कुल प्रूफ के साथ।
इधर देखिए, हम लोग तो 2 मीटर का झंडा लगाते तो तुम्हारा कलेजा फट जाता है, और कयामत का झंडा देखोगे तो फटेगा नहीं, तुम उड़ जाओगे। अरे बोलो, अल्लाह ताला नबी को इतना लंबा चौड़ा झंडा देगा कि उसी झंडे के नीचे, जल्दी बोलो, सारे नबी मौजूद होंगे। तो झंडा लगाना जायज है, जल्दी बोलो झंडा लगाना, हाथ उठाकर बोलो झंडा लगाना। जो कहे नाजायज, जो कहे नाजायज, इधर देखिए, या जो कहे कि हदीस से साबित नहीं है तो उसे सीधे कहिए कि झंडा तो हदीस से साबित है, लेकिन तुम लोग हदीस से साबित नहीं हो, हम झंडा को मानेंगे तुमको नहीं मानेंगे। लड़ना नहीं है, समझना नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, झंडा लगाने से शान बढ़ती है कि घटती है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा आपके बंगाल में इलेक्शन होता है? अरे बोलो, होता है ना। अभी 24 में आने वाला इलेक्शन है, अरे बोलो, राज्यसभा का इलेक्शन होगा, आप देखेंगे पूरे भारत में झंडा लगेगा। तो बोलो झंडा लगेगा कि ना? किसी के मकान पर बीजेपी का झंडा, किसी के मकान पर कांग्रेस का झंडा, किसी के मकान पर ममता बनर्जी का झंडा। अरे बोलो झंडा देखोगे कि नहीं? मेरी तरफ देखिए, जब मकान पे झंडा आदमी देखता है तो समझ लेता है, कांग्रेस का झंडा देखा तो समझ गया ये कांग्रेस, बोलो ये कांग्रेस का आदमी है। बीजेपी का झंडा देखा तो समझ गया ये बीजेपी का आदमी है। बोलो ममता बनर्जी का झंडा देखा तो समझ गया ये ममता बनर्जी का आदमी है। तो झंडा लगाने से पहचान होती है, बोलो झंडा लगाने से अपनी शान बढ़ती है। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, हम मुसलमान रबीउल अव्वल के महीने में जब अपनी गलियों में झंडा लगाते हैं, अपने मकान पर झंडा लगाते हैं, तो हमारी गलियों को देखकर, महल्लों को देखकर, मकान को देखकर रास्ते से गुजरने वाला समझ जाता है कि ये किसी और का मकान नहीं है, मुस्तफा के गुलामों का मकान है, रसूल के चाहने वालों का मकान है, ये रसूल के कलमा पढ़ने वालों का मकान है। सुभान अल्लाह। तो इधर देखिए, झंडा लगाने से शान बढ़ी कि घटी? अरे बोलो, अब तक आप छुपे थे लेकिन झंडा लगा लिया तो आप छुपे नहीं, छप गए। अरे जोर से बोलो, छप गए। इधर देखिए, अब तक मोहल्ले में थे, छुपे थे, दुनिया समझ रही थी हो सकता है किसी चोर का मकान हो, हो सकता है किसी और का मकान हो, लेकिन जैसे झंडा लगाया तो अब लोगों की आंखों से पर्दा हटा, झंडा देखते ही मोहल्ले वाले को समझ लिया ये सुन्नियों का मोहल्ला है, ये मुस्तफा के गुलामों का मोहल्ला है। मकान को देखा तो समझ लिया ये मुस्तफा के गुलामों का मकान है। तो झंडा लगाने से शान घटती नहीं, शान बढ़ती है। झंडा लगाना हदीस से साबित है। हाथ उठाकर बोलो झंडा लगाना, जोर से बोलो झंडा लगाना। तो इधर देखिए, आप चाहें तो लगा सकते हैं लेकिन लड़ाई नहीं करना, जोर से बोलो लड़ाई। चाहें तो लगा सकते हैं, अब अगर कोई कहे नाजायज तो उनको जवाब भी दे सकते हैं। अरे बोलो जवाब दे सकते हैं कि नहीं? अभी आपने कई हदीस सुनी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, 5 हदीस। अब चलिए मैं वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि मेरे नबी के माँ बाप का मर्तबा क्या है। इधर देखिए, मेरे नबी के माँ बाप का मर्तबा क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े थे, मुसलमान नहीं थे। कौन लोग कहते हैं, जल्दी बोलिए? वही लोग जिनको मेरी बातों से मिर्ची लगती है। अरे बोलो, जिनको मेरी बातों से मिर्ची, और वो भी कौन सी मिर्ची? इधर देखिए, बंगाल की छोटी छोटी लौंगिया मिर्ची। अरे बोलो, ए बैठाओ इसको, जल्दी बैठाओ, इधर देखो, चुपचाप से बैठो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। कुछ लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप मोमिन नहीं थे, कलमा नहीं पढ़े थे। ए बेटा जल्दी बैठ। अच्छा एक बात बताइए, हदीस तो सुनाऊंगा, हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन एक बात बताइए,
देश का कानून जिंदों के लिए है कि मुर्दों के लिए? दाएं बाएं सब लोग बोलो। हमारे डॉक्टर मोइनुल हक साहब पढ़े लिखे हैं, और भी सब लोग पढ़े लिखे हैं, दाएं बाएं हमारे हाजी साहब जिनके घर में मैं ठहरा हूं, बड़े नेक शरीफ और माशाल्लाह बड़ी खातिर तवाजो, और खाना ऐसा खिलाया कि लग रहा था नवाब वाजिद अली का मकान है। अरे बोलो, मेरी दुआ है कि अल्लाह आपके मकान में, कारोबार में, रिस्क में बरकत दे, हमारा हर भाई आगे बढ़े। बोलो आमीन, और जोर से बोलो। अच्छा ये बताओ कि देश का कानून जिंदों के लिए है कि मुर्दों के लिए? जोर से बोलो। अच्छा ये बताइए, जो लोग मर गए क्या उनको भी आधार बनवाना पड़ेगा? जीएसटी, जोर से बोलो, वैक्सीन, अरे बोलो। कोई पागल ये कहे कि नहीं, मोदी जी ने बहुत सख्ती कर दिया, जिंदों को तो वैक्सीन लगेगी, कब्रिस्तान में मुर्दों को भी लगेगी। अरे बोलो, अगर कोई ये कहे कि मिस्टर मोदी जी ने बड़ी सख्ती कर दिया है, देश का कानून जिंदों के लिए भी है, और तो ऐसा होगा? नहीं होगा। देश का कानून जिंदों के लिए होता है, मरने वालों के लिए नहीं। जो मर गया वो खत्म हो गया। मेरी तरफ देखिए तो आधार हमारे लिए है, जीएसटी हमारे लिए है, वैक्सीन हमारे लिए है, जो मर गए उनके लिए नहीं है। अब मेरी तरफ देखिए, ये बताइए नमाज किस पर फर्ज है, जो जिंदा है या मुर्दा? अरे बोलो, नमाज किस पर फर्ज है, हाथ उठाकर बोलो, जिंदों पर या मुर्दों पर? रोजा, हज, जकात, लेकिन जो मर गए उन पर नमाज फर्ज है? रोजा, हज, जकात, तो गोया कानून किसके लिए होता है? जोर से बोलो। अरे बोलो, चाहे दुनिया का कानून हो, चाहे शरीयत का कानून हो, ये किसके लिए होता है? जल्दी बोलो, जिंदों के लिए। जो मर गए उसके लिए कोई कानून नहीं। तो इधर देखिए, जो लोग कहते हैं कि नबी के मां बाप कलमा नहीं पढ़े, वो कितने बड़े पागल और बेवकूफ की औलाद है, उनसे कहिए कि नबी के मां बाप दुनिया से कब गए, ये बताओ। नबी के मां बाप कब गए? उनको अगर नहीं मालूम है तो मालूम हो जाए, ध्यान से सुने। जब मेरे नबी मां के पेट में थे, जब मेरे नबी मां के शिकमे मुबारक में थे, पेट में थे, अभी पैदा नहीं हुए, तब उनके अब्बा दुनिया से चल बसे, और जब मेरे नबी 5-6 साल के हुए तब उनकी अम्मी जान दुनिया से चल बसी। अब ये बताइए कि मेरे नबी के माँ बाप कब गए? जल्दी बोलो। मेरे नबी जब माँ के पेट में थे तो अब्बा का साया उठ गया, और जब 5-6 साल के हुए तो बोलो अम्मी जान दुनिया से चली गई। अब मेरे नबी ने नबुवत का ऐलान कब किया? जल्दी बोलिए, नबुवत का ऐलान कब किया? जोर से बोलो, 40 साल की उम्र में। इधर देखिए, नबी ने नबुवत का ऐलान 40 साल की उम्र में किया, और ये दोनों के दोनों 40 साल से पहले ही दुनिया से चले गए। इधर देखिए, किसी नबी का कलमा पढ़ना किसी पर उस वक्त फर्ज होता है जब वो नबुवत का जमाना पाए। जोर से बोलो, जब वो नबुवत का जमाना पाए तब उसका कलमा पढ़ना फर्ज होगा। अगर जमाना नहीं पाया, मेरे नबी ने 40 साल की उम्र में नबुवत का ऐलान किया, तो 40 साल से पहले जितने लोग दुनिया में सिर्फ अल्लाह को मानते थे, अल्लाह को एक होने पर ईमान रखते थे, अल्लाह की परस्तिश करते थे, मुवहिद थे, वो सब के सब जन्नती है। अरे बोलो, वो सब के सब जन्नती है। उनके जन्नती होने के लिए सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखना ही काफी था। इधर देखिए, तो मेरे नबी के ऐलान नबुवत से पहले जितने लोग दुनिया से गए, अगर वो अल्लाह पर ईमान रखते थे, बुत परस्ती नहीं करते थे, पत्थर को नहीं पूछते थे, तो जन्नती होने के लिए इतना ही काफी है। मेरी तरफ देखिए, लोगों पर ईमान लाना कब फर्ज हुआ? जब मेरे नबी ने नबुवत का ऐलान किया तब, और उनकी अम्मी जब नबी 5-6 साल के थे तब दुनिया से चली गई, जब मेरे नबी मां के पेट में थे तो अब्बा दुनिया से चले गए। उनसे पूछिए कि जब नबी के मां बाप को कलमा पढ़ने का मौका ही नहीं मिला,
तो तुम फतवा कहां से लगा रहे हो? तुम तो लगता है कि जाहिलों के बाप हो। हजरत मेरी तरफ देखिए, नबी के माँ बाप को कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन नबी के माँ बाप कभी बुत परस्ती नहीं किए, कभी नबी के माँ बाप बुत परस्ती नहीं किए। नबी के माँ बाप अल्लाह पर ईमान रखते थे, अल्लाह को एक मानते थे। रही बात कलमा की, तो कलमा पढ़ने का उनको मौका ही नहीं मिला, क्योंकि बोलो जब नबी माँ के पेट में थे तो अब्बा दुनिया से चले गए, और जब नबी 5-6 साल के हुए तो अम्मी दुनिया से चली गई, तो कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन मजे की बात सुनो, जब नबी ने इधर देखिए ऐलाने नबुवत किया, तो नबी माँ बाप की कब्र पर गए, उनको जिंदा किया और कलमा भी पढ़ाया। इजाजत है तो वो हदीस आपको सुना दूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, गौर से सुनो। मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया सफा नंबर 100, पेज नंबर 100 पर ये हदीस मौजूद है। अन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा कालत इन रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअला रब्बहु अन युहया अबवै फअहयाहुमा फआमना बिही सुम्मा अमातहुमल्लाह। हजरत आयशा कहती है कि मेरे नबी के माँ बाप को कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि नबुवत का जमाना नहीं पाया था। नबी के बचपन में ही दोनों दुनिया से चल बसे, लेकिन जब नबी ने ऐलाने नबुवत किया तो अपने माँ बाप की कब्र पर गए, अपने माँ बाप की कब्र पर गए, से रो रो के दुआ किया, अल्लाह मेरे माँ बाप तुझको तो मानते थे, तेरे एक होने पर ईमान रखते थे, कभी बुत परस्ती नहीं गई, कभी शिर्क नहीं किया, लेकिन ए अल्लाह मेरा कलमा पढ़ने का उनको मौका नहीं मिला, मेरा जमाना नहीं पाया, मेरी तमन्ना है इनको जिंदा कर दे। हदीस गवाह है, नबी के माँ बाप को अल्लाह ने जिंदा फरमाया, नबी ने दोनों को कलमा पढ़ाया, फिर दोनों कब्र में तशरीफ ले गए। ये है मेरे नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान, लड़ना नहीं। अच्छा एक बात बताइए, एक और खास बात। अच्छा ये बताइए, मेरी भाषा समझ रहे हैं ना सब लोग? हाथ उठाकर बोलो। मौलाना रब्बानी की भाषा अगर आप नहीं समझेंगे बोलो तो मेरी शिकायत होगी, क्योंकि मैं गुजरात जाता हूं, राजस्थान जाता हूं, कर्नाटक जाता हूं, जहां जाता हूं बिल्कुल आसान अंदाज में तकरीर करता हूं ताकि लोग समझ सकें। अच्छा एक बात बताइए, ध्यान से सुनिए, आधा घंटा और बर्दाश्त कीजिए, सलाम पढ़ के जाइएगा। कई हदीस सुना चुके, जल्दी बोलो। अरे वो गिनती करते जाओ, इधर देखो मेरी तरफ देखो। अच्छा एक बात बताओ कि मेरे नबी और ईसा अलैहि सलाम के बीच में कितना गैप था? बोलो गैपिंग कितनी थी मालूम है? अरे कितने दिन के बाद मेरे नबी दुनिया में आए? इधर देखिए, ईसा अलैहिस्सलाम और मेरे नबी के बीच में 650 बरस। कितना? हाथ उठाकर बोलो कितना? 650 बरस बीच में गैप था। यानी जब ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से गए हुए कितने दिन हो गए, जल्दी बोलो? 650 बरस। तब मेरे नबी दुनिया में, जल्दी बोलो, तशरीफ लाए, जल्दी बोलो, तब मेरे नबी दुनिया में। मौलाना को जाने दीजिए, बहुत देर से बैठे हुए थे, है कि नहीं? इनको मत देखिए, इनकी भी जरूरत है। इजाजत है, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। तो ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान और मेरे नबी के दरमियान कितना फासला है, जल्दी बोलो। अरे बोलो कितना फासला, बीच में कितना गैप है? 650 बरस। ए बच्चे को पकड़ के बैठाओ, ए जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। ये बताओ कितना कितना फासला है? अरे जोर से बोलो कितना फासला है? 650 बरस।
अब उन लोगों से पूछिए कि ये पौने 600 बरस के लोगों ने तो कलमा पढ़ा नहीं। अरे बोलो पौने 600 बरस के लोगों ने तो क्या पौने 600 बरस में जितने लोग थे सब जहन्नमी है? वो पागल है पागल, उनका बाप जवाब नहीं दे सकता है, उनका मौलवी जवाब नहीं दे सकता है कि पौने 600 बरस में क्या जितने लोग दुनिया में आए सब जहन्नमी है। नहीं, वो जहन्नमी है जिसने बुत परस्ती की, जिसने शिर्क किया, लेकिन वो लोग जन्नती हैं जो सिर्फ अल्लाह को एक मानते थे। अरे बोलो, अल्लाह से मोहब्बत करते थे, शिर्क नहीं करते थे, बुत परस्ती नहीं करते थे। वो पौने 600 बरस में अल्लाह पर ईमान रखना ही उनके लिए काफी था। जल्दी बोलो, उनके लिए काफी था, क्योंकि उस वक्त कोई नबी नहीं थे। अब इजाजत दीजिए तो मैं आपको छठवीं सातवीं हदीस बड़ी ठोस, इनाम कितना जल्दी बोलो, इनाम कितना बोलो, जल्दी बोलो, 5 नहीं, मुंह में जितना आए बोल दो। हाँ, इसलिए कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं जो बोलता हूं पत्थर की लकीर है, मानने वाला ना माने तो अपनी जगह है। बोलो, ना मानने वालों के लिए तो कोई बात नहीं है। और मेरी तरफ देखिए, अब मैं हदीस सुनाना चाहता हूं कि मेरे नबी के माँ बाप कैसे थे और उनका मर्तबा क्या है। इजाजत दीजिए तो हदीस सुनाओ, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। गौर से सुनो, मिश्कान शरीफ जिल्द सानी बाबो फजाइले सैयदुल मुरसलीन सफा नंबर 513, तिर्मिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 204 पर, 204 पर ये हदीस मौजूद है। अनिल अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु जाअ इलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकअन्नहु समिया शैया फकामन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर फकाल मन अना कालू अंत रसूलुल्लाह काल انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ان الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقه ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيله ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فانا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا। زور سے بول دو سبحان अल्लाह। इधर देखिए, ए बेटा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो जल्दी जल्दी, ताकि हदीस ज्यादा सुनाऊं बात कम करूं। मतलब सुनिए, इधर देखिए, सातवीं हदीस है। नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने दुनिया में तरह तरह की मखलूक को पैदा किया, अल्लाह ने दुनिया में 18,000 मखलूकात बनाए, आसमान बनाए, जमीन बनाए, पेड़ पौधे बनाए, दरिया समंदर को बनाया, चरिंद परिंद को बनाया, 18,000 मखलूक को बनाया। अल्लाह ने सारी मखलूकों में सबसे बेहतर मखलूक में मुझको पैदा किया। नबी फरमाते हैं अल्लाह ने तमाम मखलूक में कबीले बनाए, इंसानों में कबीले बनाए, उन कबीलों में जो सबसे बेहतर कबीला था मुझे उसके दरमियान भेजा। नबी फरमाते हैं उनमें खानदान बनाए, उन खानदानों में जो सबसे इज्जतदार घराना था, खानदान था, मुझे उसमें भेजा। नबी फरमाते हैं फिर माँ बाप बनाए, माँ बाप में जो माँ बाप सबसे बेहतर थे मुझे उनके पुश्त में भेजा। कान खोल कर सुन लो, मेरी जात भी बेहतर है, मेरे माँ बाप भी बेहतर है। अब आप बताइए, नबी कह रहे हैं कि मेरी जात भी बेहतर है, बाबू हसीये कम, ए बेटा मेरी नजर सबको देख रही है, कौन गुलछर्रे उड़ा रहा है, कौन तकरीर सुन रहा है। आप ये मत समझो मैं कुर्सी पे बैठा हूं। आजकल लोग ध्यान भटकाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, अरे बोलो,
तो जलसे में आइए तो ध्यान मत भटकाइए, मच्छर काटे भी तो बर्दाश्त कीजिए, इजाजत है। अच्छा ये बताओ नबी ने क्या कहा, जल्दी बोलो। अल्लाह ने तमाम मखलूकों में सबसे बेहतर मखलूक में मुझको पैदा की, फिर अल्लाह ने खानदान बनाए, खानदानों में सबसे बेहतर खानदान में मुझको पैदा किया, फिर अल्लाह ने माँ बाप बनाए, माँ बाप में जो बेहतर थे उस दौर में मुझको उनकी कोख में पैदा किया। नबी फरमाते हैं कि मैं भी बेहतर हूं, मेरे माँ बाप भी। अब आप बताइए अगर नबी के माँ बाप काफिर होते तो क्या नबी माँ बाप को बेहतर कहते? अरे बोलो, अगर नबी के माँ बाप काफिर होते जैसा कि वो लोग कहता है, उनसे कहिए तौबा करो, तौबा, तुम्हारे बाप को अगर कोई शराबी कह दे तो तुम लाठी लेकर निकल जाओगे, अगर तुम्हारे बाप को कोई चोर कह दे तो तुम लाठी लेकर निकल जाओगे। अबे पागल की औलाद, तुम्हारे बाप के खिलाफ कोई बोले तो तुम बर्दाश्त नहीं करते, तो ये सुन्नी नबी के खिलाफ बोलने वालों को कैसे बर्दाश्त करेगा? हमारे लिए तो माँ बाप से भी अफजल, माँ बाप से भी ज्यादा मोहब्बत अगर हमें है तो मुस्तफा की जात से है, रसूल की जात से है। हम बच्चों को कुर्बान कर सकते हैं, औलाद को कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ सकते। सुनी, इजाजत दीजिए तो आठवीं सुनाऊं। मुफ्ती मोइन साहब चले गए, बगल में जो मौलाना बैठे हुए थे उनको भी बहुत देर से मच्छर काट रहा था, लेकिन वो भी चले गए। अरे बोलिए, सब लोग थके हुए थे, वो लोग चले गए। आप मत जाइए, मैं इनको तकरीर सुनाने नहीं आया हूँ। ये लोग तो बैठते हैं तो मेरा सीना मजबूत होता है, बैठने से सीना मजबूत होता है। तकरीर इनको सुनाने नहीं, आपको सुनाने आया हूँ। अरे बोलिए, अभी मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जल्दी बोलो सात। अब आठवीं हदीस सुनिए, कसम खुदा, कसम खुदा, ये हदीस वो लोग भी सुने, ध्यान से सुने बाबू, ध्यान से सुने। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। गौर से सुनो, इधर देखो, दुर्रे मंसूर किताब का नाम क्या है? जोर से बोलो, दुर्रे मंसूर, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैहि की मशहूर किताब दुर्रे मंसूर, जिल्द नंबर 3, पेज नंबर 424। कितना जोर से बोलो, पेज नंबर 424। अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم لم يزل الله تعالى ينقلني من الاصلاب الطيبه الطاهره مصف محزبا تنشيب شوبتان إلا كنت في خيرهما وفي رواية أخرى انتقلوا من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات. زور سے بول دو سبحان الله. اجازت ہے لگتا ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب کو نیند آنے لگی. ارے بولیے نیند تو نہیں آئی؟ छोकरा को जगाइए, ये लगता है कि नानी अम्मा का घर है. अच्छा सो जाए, बाबू को सुला दीजिए, नाबीना है. मैं माफी, मैं नहीं देख पाया बच्चा को. अल्लाह ताला इस बच्चे के आंखों में रोशनी अता फरमाए, अल्लाह इस बच्चे को तंदुरुस्ती दे. हमारे हर मुसलमान का बच्चा तंदुरुस्त रहे. जब हमारा बच्चा आगे बढ़ता है तो मैं उसको देख कर बहुत खुश होता हूँ, बहुत दुआएं देता हूँ. हाजी साहब के पोता को देखा, साजिद बाबू को, नाम छोटा सा बच्चा है साजिद बाबू, इतना बड़ा है उसका, उसके बात करने का अंदाज़ और इतना तेज कि मैंने दुआ किया या अल्लाह ऐसा ही इतना तेज तर्रार बच्चा अल्लाह ताला इसी तरह हमारे हर बच्चों को बनाए ताकि हमारा बच्चा आगे बढ़े. फिर बोलो हमारा बच्चा. बाबू लोग, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, ये खून पसीना इसलिए बहाता हूँ ताकि आपको कोई बहकाए नहीं. अरे बोलो, आपको कोई बहकाए नहीं, वरना मैं भी चाहता तो आपको मूंगफली खिलाकर चला जाता. अरे बोलो, मूंगफली चला जाता, लेकिन मेरी आदत है कि मैं खून पसीना बहाकर आपको अच्छी अच्छी बातें हदीस सुनाता हूं. मैंने आपको आठ हदीस सुनाई, अभी इस आखिरी हदीस जो आठवीं है इसका मतलब सुनिए. नबी फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरी मां के पेट तक, कहां तक,
आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कहां तक? आमना के शिकमे मुबारक तक, मेरी अम्मी जान के पेट तक, जितने लोगों की रीढ़ की हड्डी से होता हुआ दुनिया में मैं आया, वो सब के सब पाक थे, तय्यिबो ताहिर थे, मुसफ़ा और मुहज़्ज़ब थे, कोई बुत परस्त नहीं थे, कोई काफिर नहीं थे, सब अल्लाह पर ईमान रखते थे। आदम से लेकर आमना के पेट तक जितनी रीढ़ की हड्डी से, जितनी पुश्तों से, जितनी रहमों में मैं मुंतकिल होता हुआ इस दुनिया में जलवागर हुआ, सब के सब पाको साफ थे, अल्लाह पर ईमान रखते थे, सब मुवहिद थे, अल्लाह की इबादत करते थे, कभी बुत परस्ती नहीं की, कभी बोलो गलत नहीं थे, सब पाक साफ थे। ये हदीस कह रही है, अरे बोलो ये हदीस कह रही है, कहां से? बोलो आदम से लेकर कहां तक? जल्दी बोलो, हजरते आमना के पेट तक, जितने रीढ़ की हड्डियों से होता हुआ मैं दुनिया में आया, सब के सब पाक थे, मुसफ़ा थे, मुहज़्ज़ब थे, मैं पाक पुश्तों से, पाक रहमों में मुंतकिल होता हुआ इस दुनिया में जलवागर हुआ। अब आप बताइए, हम हदीस को माने के खबीस को माने? अरे बोलो किसको मानोगे? हाथ उठाकर बोलो और जोर से बोलो, हदीस को। हम हदीस बोल रहे हैं ना, अरे बोलो क्या बोल रहे हैं? हवाला दिया, पेज नंबर दिया और प्लस 5 लाख इनाम भी दिया। इतना बड़ा मौलाना जो हदीस भी सुनाए और इनाम भी बांटे, कोई मौलाना है? हजरात कसम खुदा, वो धोखेबाज हैं, मुफ्ती मोइन उल हक धोखेबाज नहीं, हमारे उलमाए अहले सुन्नत धोखेबाज नहीं, मसलक आला हजरत के मानने वाले धोखेबाज नहीं, पीराने पीर मखदूमे, बोलो मखदूमे अशरफ सैयदना जहांगीर अशरफ समनानी के मानने वाले धोखेबाज नहीं, आला हजरत के मानने वाले धोखेबाज नहीं। धोखेबाज वो लोग हैं जो यहूदी का खाते हैं, यहूदी की गाते हैं। हम सुन्नी नबी का खाते हैं, नबी की गाते हैं। अरे बोलिए, हाँ हम सुन्नी हैं, सुन्नी का खाते हैं। अरे बोलो, और जो और लोग हैं वो यहूदी का खाते हैं। नमक रोटी खाएंगे, ईमान बचाएंगे। मैंने आपको अब तक कई हदीसें सुनाई, हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो। अच्छा, तकरीर खत्म कर दूं कि थोड़ी देर और बोलूं? और जोर से बोलो, थोड़ा कम मैं सुनता हूं, मैं थोड़ा और कम सुन रहा हूं। आप लोग मुझको बहरा मत समझ लीजिएगा, मैं बहरा नहीं हूं। मैं स्टेज पर बैठता हूं तो लोगों की आवाज कम सुनता हूं, अगर कम नहीं सुनूंगा तो लोगों को बुलवाऊंगा कैसे, है ना? मैं बहरा नहीं हूं, आप धोखे में धोखा मत खाइएगा। हाँ, अल्लाह ताला का शुक्र है कि कान भी ठीक है, आंख भी ठीक है, अल्लाह ने ताकत भी दी है। ये मेरे महबूब का करम है, मेरे बादशाह का करम है, मेरे रब का करम है। अब अभी आपको मैंने 8 हदीस सुनाई, अब चलिए वो हदीस। जो लोग ये कहते हैं जुलूस निकालना हदीस से साबित नहीं है, ए इधर देख, वो लोग कहते हैं जुलूस निकालना हदीस से साबित, तो सीधा जवाब, हदीस से तो साबित है। मैं अभी सुनाऊंगा हदीस से साबित है, लेकिन आज के बाद से सीधे कहे, आज के बाद से कोई कहे तो सीधा जवाब दीजिएगा कि जुलूस तो हदीस से साबित है मगर तुम हदीस से साबित नहीं हो, पहले तुम सबूत दो, पहले तुम सबूत दो कि तुम हदीस से साबित हो। हजरात कसम खुदा, उनकी नानी मर जाएंगी, मुंह पर ताला लग जाएगा। क्या लग जाएगा? हाँ, ताला, जैसे हमारे नैनी जेल इलाहाबाद में इतना बड़ा ताला लगा हुआ है, जैसे लगेगा आपको टाटा बिरला का कारखाना। अरे बोलो, आएगी नहीं? हाँ, तो इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, जहन को हाजिर रखिए। अच्छा एक बात बताइए, हदीस तो मैं बाद में सुनाऊंगा, लेकिन एक बात बताइए, ये बताइए जुलूस किसको कहते हैं? अरे बोलो, जुलूस किसको कहते हैं?
अरे हजरत ये बताइए, आप लोग जिस महफिल में बैठे हैं इसका नाम क्या है? जलसा। अरे बोलो। और इसी को जुलूस भी बोलते हैं, इसी को इज्तिमा भी बोलते हैं। जल्दी बोलो, इसी को, जल्दी बोलिए, इसी को जलसा। जोर से बोलो, इसी को, जोर से बोलो ना, इसी को जलसा। जल्दी बैठिए। ए बाबू कहाँ जा रहे हैं? ओ इस्तिंजा करने जा रहे हैं। इधर देखिए, छुट्टी लेके जा रहे हैं। हंसो मत, छुट्टी लेंगे, वो छुट्टी ले चुके हैं। इधर देखिए, तो इधर देखिए, आप जिस जलसे में बैठे हो 15 मिनट और बर्दाश्त करो बाबू लोग। जिस जलसे में बैठे हो इसका नाम क्या है? जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो इसका नाम। और इसी को जलसा भी कहते हैं, इसी को इज्तिमा भी कहते हैं। मतलब तीनों का एक है, लफ्ज लफ्ज में थोड़ा का अंतर है, यानी लफ्जी फर्क है लेकिन मतलब दोनों का एक है। जुलूस किसको कहते हैं? इधर देखिए, इज्तिमा किसको कहते हैं, जलसा किसको कहते हैं? किसी प्रोग्राम के तहत, जल्दी बोलिए, किसी प्रोग्राम के तहत भीड़ इकट्ठा करना। जल्दी बोलो, भीड़ इकट्ठा करना। अब चाहे भीड़ सड़कों पर इकट्ठा करें, बोलो, चाहे मैदान में इकट्ठा करें, चाहे बाग बागीचे में इकट्ठा करें, जहां भीड़ इकट्ठा होगी, कोई प्रोग्राम बनेगा, तो समझ लो उसी को जलसा कहते हैं, उसी को जुलूस कहते हैं, उसी को इज्तिमा कहते हैं। तो उनसे पूछिए, जब सबका मतलब एक है तो तुम लोग इज्तिमा करते हो तो वहां फतवा तुम लोगों का अंदर घुसा रहता है। जब तुम लोग इज्तिमा करते हो तो तुम्हारा फतवा अंदर घुसा रहता है, और जब हम लोग जुलूस करते हैं तो फतवा निकलकर मार्केट में आ जाता है। ये इन, बोलो, ना इंसाफी है कि नहीं? ये ना इंसाफी है। इधर देखिए हजरत, पागलपनी है, पागलपनी। खुदा जब दीन लेता है तो अकल छीन लेता है, जब गीडर की मौत आती है तो फिरोजपुर में भागता है। अरे बोलो, जब गीडर की मौत आती है तो कहाँ भागता है? जल्दी बोलो, फिरोजपुर गांव में भागता है, कलियाचक मार्केट में भागता है। जब उसकी मौत लिखी होती है तो आबादी में भागता है। ऐसे ही जब किसी की किस्मत में जहन्नमी होना लिख दिया जाता है तो वो फिर आए बाएं बोलता रहता है, उटांग पटांग। अरे बोलो, उटांग पटांग, जो मन में आया बोलता रहता है। उनको कहिए जितना बोलना है बोल लो, कयामत में जब फरिश्तों की लाठी पड़ेगी तब तुम्हारा दिमाग हरा होगा। अरे बोलो, और जब हरा होगा तो सामने तुम्हारे सुन्नी खड़ा होगा, उस वक्त पता चलेगा गलत कौन था सही कौन था। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। जुलूस निकालना हदीस से साबित है। अब मैं हदीस सुनाने जा रहा हूं, इस हदीस पर 1 लाख इनाम नहीं, मुंह में जितना पैसा आए, अरे बोलो, हाँ, उतना इनाम मिलेगा। लेकिन हजरत आप लोग डरिए मत, मुझको 1 पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। मैं तो फकीर आदमी हूं, मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे पास 1 पैसा भी नहीं है। मैं ऐलान इसलिए करता हूं कि गलत साबित करो, और गलत तुम साबित कर ही नहीं सकते, इसीलिए इनाम देना ही नहीं पड़ेगा। और जब इनाम नहीं देना पड़ेगा तो मुंह में जो आए बोल दो, कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं प्रूफ के साथ, प्रूफ हदीस। अब मैं सुनाने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, 15 मिनट और तकरीर, इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। गौर से सुनो, मिश्कात शरीफ, जोर से बोलो मिश्कात शरीफ, जिल्द नंबर 2, पेज नंबर 546, कितना जोर से बोलो, पेज नंबर 546, एक किताब। दूसरी किताब सुन लो, बुखारी शरीफ, जिल्द नंबर 1, पेज नंबर 558, 558, पेज नंबर 558, जिल्द नंबर 1, ये 2 किताब। तीसरी किताब मुस्लिम शरीफ, जिल्द नंबर 2, पेज नंबर 419, 419, पेज नंबर 419। 3 किताबों का हवाला दिया, लाओ किताब, नहीं दिखाऊं तो गोली मार दो,
आओ किताब अगर नहीं दिखाऊं तो गोली मार दो। जितनी किताब जितनी हदीसें मैं सुना चुका वो सारी किताब वो सारी लाइए, मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूं। जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसी ही हदीस आपको मिलेगी। अब आप हदीस सुनिए। अल्लाह अल्लाह अनिल बर्रा बिन आजीब रदियल्लाहु तआला अन्हु قال قال अनिल बर्रा बिन आजीब रदियल्लाहु तआला अन्हु قال जा الرسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه فما رايت اهل المدينه فرحوا بشيء فرحهم به حتى رايت البلايد فالصبيان يقولون هذا رسول الله قد جاء فرواه مسلم سيد الرجال والنساء فوق البيوت فتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? मैं तो थक गया लेकिन आप लोग थके? अरे बोलो, आप कैसे थकेंगे? अरे बोलिए, अरे आप कैसे थकेंगे? आपको तो बनी बनाई बोलो बिरयानी मिल रही है। बिरयानी बनाने वाले को जोर से बोलो मेहनत है, खाने वालों को क्या है लिया और गप। अरे बोलो है कि नहीं? हाजी साहब, तो बनाने वाले को मेहनत लगती है। मैंने जबानी हदीस को याद किया, रमजान में याद करता हूं, आज भी याद करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं मौलाना बन गया तो छोड़ दूं, मैं हाफिज भी हूं। हाफिज मैं 13 साल की उम्र में हाफिज बन गया था। आज भी सीने में वैसे ही कुरान है जैसे 13 साल की उम्र में था। मैं हाफिज भी हूं, तो जैसे मैं कुरान का हाफिज हूं, रमजान के महीने में जब छुट्टी मिलती है तो रात में तरावी भी सुनाता हूं और दिन में हदीस पढ़ता हूं, मुताला करता हूं, याद भी करता हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हदीस मैं याद कर सकूं। हदीस को बिना याद किए हुए तर्जमा तो आदमी बोल लेता है, जल्दी बोलो, तर्जमा तो बोल सकता है, मगर अरबी याद करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अरे बोलो है कि नहीं? तो बाबू लोग, मैंने कई किताब का हवाला दिया, जल्दी बोलो। 3 किताब का हजरत बैठे हैं मुफ्ती मोइनुल हक साहब, इनके मदरसे में मैंने बुखारी शरीफ भी खत्म कराया है। हजरत चांदपुर में रहते थे तो दारुल उलूम में मैंने खत्म बुखारी भी बच्चों को खत्म कराया 1 साल। और हजरत जब तक उस मदरसे में रहे, बोलिए 3-4 साल तक लगातार हजरत के मदरसे में मेरी तकरीर होती रही, आपको सब पता है। तो बाबू लोग इजाजत है, मेरी तरफ देखिए, माशाल्लाह बहुत मेहनत कश और बहुत, इधर देखिए, इनको पकड़ के रहिए। आजकल तो मत पूछिए, हमारी आवाम अजीब हो गई है, मौलवी को उतने ही दिन पकड़ के रखते हैं जब तक 3 मंजिला मदरसा ना बन जाए। जहां 3 मंजिल बन गया छुट्टी हजरत चले। ऐसा मत करो, मौलवियों की कदर करो। जो मौलवी भाग दौड़ करके चंदा मांग मांग करके 3 मंजिला मदरसा बनाया, जिन मौलवी ने तुम्हारे मदरसे को आगे बढ़ाया, बच्चों को आगे बढ़ाया, वो बुढ़ापे में कहां जाएंगे? अरे बोलो, वो बुढ़ापे में कहां जाएंगे? आप अगर कहीं नौकरी करो और तुमको बुढ़ापे में कोई निकाल दे तो बोलो अफसोस होगा कि नहीं? कि आखिर मैं कहां जाऊंगा? आज हमारे मौलवियों के साथ हमारी आवाम इस तरह से कर रही है। हरगिज ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। वो बेचारा 20 साल तक आपकी खिदमत किया और बुढ़ापे में आपने उनको मस्जिद से हटा दिया, मदरसे से निकाल दिया, बताओ वो बेचारा कहां जाएगा, उनकी लाइफ कौन देखेगा? तो आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे उलमा की खिदमत करें, उलमा से मोहब्बत करें, उलमा के साथ अच्छा सलूक करें। बाबू लोग, 10 मिनट और बर्दाश्त कीजिए, मैंने जो हदीस सुनाई मतलब सुनिए, इजाजत है? जल्दी आइए, जल्दी आइए उलमा, जल्दी आइए। हमारे मौलाना लोग जब चले जाते हैं तो दिल छोटा हो जाता है, लेकिन जब आ जाते हैं तो दिल बड़ा हो जाता है। जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। मैंने हदीस सुनाई मतलब अभी नहीं सुनाया, अब मतलब सुनने के लिए तैयार हो? जोर से बोले, हाथ उठाओ, मतलब सुनने के लिए तैयार हो? जोर से बोलो,
मतलब सुनो, मतलब इधर देखिए। हजरत बर्रा बिन आज़िब कहते हैं, हजरत बर्रा बिन आज़िब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मेरे नबी मक्का को छोड़कर मदीना गए, कहाँ गए जोर से बोलो, जब मेरे नबी हिजरत करके, जोर से बोलो, मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए, तो गौर से सुनिए। हजरत बर्रा कहते हैं कि जब मेरे नबी मदीना पहुंचे, जब मेरे नबी मदीना पहुंचे तो मैंने अपनी आंखों से क्या देखा। फरमाते हैं कि मैंने मदीने वालों को आज तक इतनी खुशी मनाते हुए कभी नहीं देखा, न तो बेटी की शादी में, न बेटा की शादी में, न किसी और मौके से मदीने वालों को इतनी खुशी मनाते हुए कभी नहीं देखा। हजरत बर्रा कहते हैं कि जब मेरे नबी मदीना पहुंचे तो मैंने इस कदर खुशियां मनाते हुए लोगों को देखा कि आज तक इतनी खुशियां मनाते हुए कभी नहीं देखा। मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, जितने बूढ़े थे वो सड़कों पर आ गए, जितने जवान थे वो सड़कों पर आ गए, जितने बच्चे थे वो सड़कों पर आ गए, छोटी छोटी बच्चियां सड़कों पर आ गई, औरतें छत पर चली गई। मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, जितने मदीने के लोग थे, बूढ़े बच्चे जवान गुलाम खादिम, सबके सब सड़कों पर उतर गए और जुलूस की शक्ल में, जुलूस की शक्ल में या रसूल अल्लाह का नारा लगाने लगे। हाथ उठाकर बोलो और जोर से बोलो और जोर से बोलो। डॉक्टर साहब को मेरी तरफ दिखाइए, डॉक्टर साहब को अब नींद आने लगी है, अब लगता है तकरीर खत्म होगी, इजाजत है, इजाजत है, 10 मिनट और बर्दाश्त करो बाबू लोग। इधर देखो, जब मेरे नबी मदीना पहुंचे, जल्दी बोलो, मदीना पहुंचे तो बर्रा बिन आज़िब कहते हैं कि आज तक मदीने वालों को इतनी खुशियां मनाते हुए मैंने कभी नहीं देखा जितनी खुशियां नबी के आने पर मना रहे थे। दूसरी हदीस ये है, छोटी छोटी बच्ची दफ लेकर, इधर देखिए, अरबी में नबी की नात पढ़ रही थी, दफ लेकर, दफ छोटा सा होता है, आपने देखा होगा, ढोल की तरह नहीं होता है, दफ होता है, दफ बजाना जायज़ है, दफ बजा सकते हैं, शादी के मौके से औरत अपने बेटे की शादी में भी बजा सकती है, अपनी बेटी की शादी में भी दफ बजा सकती है, आप ईद के दिन भी दफ बजा सकते हैं, दफ समझते हैं, अरे बोलो, एक हल्का सा बदा होता है, आप चूंकि नहीं देखे होंगे तो उलमा से समझ लीजिएगा, दफ बजाना शादी में भी, बोलो, बेटी की शादी हो या बेटा की शादी हो या खुशी का मौका हो तो आप दफ बजा सकते हैं। जब मेरे नबी मदीना पहुंचे तो छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां अरबी में नात पढ़ रही थी और दफ बजा रही थी। इधर देखिए, जितनी औरतें थी वो बोलो छतों पर थी और जितने जवान थे, गुलाम थे, जवान थे, सबके सब सड़कों पर उतर गए और जुलूस की शक्ल में नारा क्या लगा रहे थे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मरहबा, या रसूल अल्लाह मरहबा, या रसूल अल्लाह मरहबा। आप लोग भी बोलो या रसूल अल्लाह मरहबा, या रसूल अल्लाह मरहबा। अल्लाह, ये मैं नहीं, ये 3 किताब की हदीस बोल रही है। अरे बोलो, अगर जुलूस निकालना हराम होता तो नबी मदीने वाले को मना कर देते, मत निकालो, मत निकालो, मत निकालो। लेकिन हजरात, जुलूस निकालना आज से नहीं, जब से दुनिया बनी है, मेरे नबी से पहले से भी जुलूस निकाला जाता था और आज भी लोग जुलूस निकालते हैं। तो जुलूस निकालना हदीस से साबित है, नाजायज नहीं है। जो नाजायज कहे वो खुद नाजायज है, जो हराम कहे वो खुद हराम है, जो बोलो गलत कहे वो खुद गलत है। मैंने 3 किताबों का हवाला दिया, आप चाहे तो निकाल सकते हैं और चाहे तो नहीं। अभी हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं है, अरे जोर से बोलो, अभी हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं है, इसलिए मैं तो आपसे यही कहूँगा कि उलमा से फैसला कर ले तब कोई काम करे, उलमा जैसा कहें वैसा ही कीजिए। और जुलूस जब निकले तो औरतें ना जाएं, छोटे छोटे बच्चे ना जाएं,
जुलूस में 12 साल से, बोलो कम उम्र के बच्चे ना हो, कम से कम 12 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, जितने हमारे बुजुर्ग हों 50 साल के, 60 साल के, वो आगे आगे रहे, किनारे किनारे रहे, बीच में बच्चे रहे, और अदब के साथ, बोलो अदब के साथ, अदब के साथ नाच करते हुए नहीं, डांस करते हुए नहीं, हराम है नाच करना, हराम डांस करना, हराम कमर लचकाना, हराम झूमना, हराम नहीं है। एक है झूमना और एक है बोलो नाचना। झूमने का ताल्लुक इधर देखिए, कमर से ऊपर है, जोर से बोलो, झूमने का ताल्लुक कमर से ऊपर है। जब दिल को बात लगती है, जल्दी बोलो, तो दिल झूमता है, इधर देखिए, तो झूमने का ताल्लुक नाफ से ऊपर है, तो जब तक नाफ से ऊपर झूमे तो समझ लो ये डांस नहीं है, लेकिन जब कमर झूमने लगे, अरे बोलो, कमर झूमने लगे तो समझ लो ये हराम है, डांस हराम, नाचना हराम। तो जुलूस निकालना जायज है, हदीस से साबित है, आप चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन हालात को देखते हुए, हमारे मुल्क के हालात अभी ठीक नहीं है, इसलिए उलमा से बगैर मशवरा किए हुए कोई काम मत कीजिएगा। और अगर जुलूस निकालते हैं तो जुलूस में बच्चा आगे ना रहे, जवान आगे ना रहे, जितने हमारे बुजुर्ग हों वो सब चारों तरफ से लोगों को घेरे रखे, ताकि अदब के साथ सिर्फ सलाम पढ़ते हुए, नात पढ़ते हुए अदब के साथ अपने मोहल्ले में गुजर सकते हैं। अरे बोलिए, हालात को देखते हुए आप जैसा होगा कीजिएगा। मैं आपकी हालात, आपके हालात से वाकिफ नहीं, हजरत खूब जानते हैं। तो जुलूस निकालना हदीस से साबित है, आप चाहे तो निकाल सकते हैं, जो नाजायज कहे वो पागल है, पागल, उनसे कहिए तुम्हारी खोपड़ी खराब हो गई है, मैं तुमको आगरा भेज दूंगा, अगर आगरा नहीं सही हुए तो रांची तो ठीक ही हो जाओगे। अरे बोलो, इसलिए लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। हाँ, इधर देखिए, हमारी माँ बहन जुलूस में नहीं जाइएगा, मेरी माँ बहन आप लोगों को जुलूस में नहीं जाना है, औरत के लिए पर्दा है, बोलो औरत के लिए पर्दा है। इधर देखिए, आपकी माँ बहन सबकी माँ बहन है, अरे बोलो, नबी ने फरमाया कि जब तुम किसी की माँ को देखो तो अपनी माँ समझो, और किसी की बेटी को देखो तो अपनी बेटी समझो, और किसी की बहन को देखो तो अपनी बहन समझो। अपनी बहन की इज्जत करोगे, इधर देखो, दूसरे के बहन की इज्जत करोगे तो तुम्हारी भी इज्जत बढ़ेगी। नबी ने फरमाया जैसी करनी, इधर देखिए, अगर आपने पेड़ पर ढेला मारा, इधर देखिए, आम लगा है और खलील भाई का पेड़ है, किसका पेड़, खलील भाई का पेड़ है, इधर देखिए, अगर आपने ढेला मारा तो यकीनी बात है, अगर खलील भाई का पेड़ है, ढेला मारा है तो यकीनी बात है, अगर मारने वाला जमील है तो खलील का बच्चा भी आज नहीं तो कल उस पर ढेला मारेगा। इसलिए कि जैसी करनी, तो धोखा मत खाइए, जुलूस में हमारी माँ बहन नहीं जाएगी, छोटे छोटे बच्चे नहीं जाएंगे, उलमा आगे आगे, हमारे गांव के बस्ती के बुजुर्ग लोग आगे आगे, बिल्कुल अदब के साथ इस अंदाज से गांव में आप घूमेंगे, सिर्फ आप कहीं और नहीं जाएंगे, अगर घूमना होगा तो गांव में घूमेंगे, और इस अंदाज से सलाम पढ़ते हुए अदब के साथ, कि लोग देखें तो कहें कि नबी का गुलाम जा रहा है, नबी का मानने वाला जा रहा है, नबी का सच्चा पक्का गुलाम जा रहा है, मुसलमान जा रहा है। हजरात, अब तकरीर खत्म हो रही है, बस आखिरी हदीस सुना दूं, हदीसें तो बहुत है, इधर देखो, हदीसें तो बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा। हजरत टाइम क्या हुआ, अल्लाह, जब से घड़ी पहनना मैंने बंद कर दिया है, कभी कभी मैं अढ़ाई अढ़ाई घंटा बोल जाता हूं। अरे बोलिए, लगता है अब घड़ी पहनना पड़ेगा। इधर देखिए, एक मौलाना थे, इधर देखिए, वो टॉफी मुंह में रख करके तकरीर करते थे, क्या करते थे, जब तक मुंह में टॉफी रहती उनकी तकरीर चलती रहती, जैसे टॉफी खत्म,
जैसे टॉफी खत्म, जोर से तकरीर। एक दिन मौलाना धोखे से टॉफी के बजाय उनके जेब में शेरवानी का बटन था। क्या था? शेरवानी का। वो बटन को मौलाना जल्दी जल्दी स्टेज पर पगड़ी बांधे और टॉफी मुंह में नहीं रख के बल्कि धोखे से जल्दी से जेब से निकाला और क्या रख लिया जल्दी बोलो? शेरवानी का बटन। अब कुर्सी पे बैठ गए, काहे बटन मुंह में गले। मौलाना तकरीर इतनी लंबी कर दिए कि सारा मजमा गायब। अब मौलाना भी परेशान कि या अल्लाह, सब लोग मेरी तकरीर में बैठते थे, आज क्या बात है? जब मुंह से निकाला तो कहा, या अल्लाह ये तो टॉफी नहीं है, ये तो बटन है। लगता है आज मैंने 5-10 घंटा तकरीर कर दिया है। तो इधर देखिए, घड़ी पहनकर तकरीर करना चाहिए ताकि टाइम मालूम हो। अब मैं घड़ी पहन के तकरीर करूंगा ताकि पता चले कि मैं कितना बोल रहा हूं। बस आखिरी हदीस सुन लीजिए। मिलाद मनाना कैसा है? बिरयानी बनाना, लड्डू बनाना, रसगुल्ला बनाना, गब गब खाना। अरे बोलो, बिरयानी हम बनाते हैं, कलेजा उधर फटता है। उधर देखिए, खीर हम बनाते हैं, कलेजा उधर फटता है। भाई आपको खाना है तो आप भी बना के खाओ। इधर देखो बाबू, ए बस 5 मिनट में तकरीर खत्म हो रही है, इजाजत है? इधर देखो, मिलाद मनाना, मिलाद का मतलब जल्दी बोलो, ईद मिलादुन नबी। क्या मतलब? नबी के पैदाइश की खुशी मनाना। नबी के पैदाइश की खुशी कैसे मनाना? जलसा करके, फातिया करके, रोजा रखकर, बिरयानी बनाकर, लोगों को खिलाकर, बच्चों को खिलाकर, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनकर। बोलो, नबी के पैदाइश की खुशी मनाना, नबी का जन्मदिन मनाना, नबी के पैदाइश की बोलो खुशियां मनाना, ये हदीस से साबित है। हम लोग क्या करते हैं जल्दी बोलो? बिरयानी बनाते हैं, कुछ लोग रोजा भी रखते हैं, लेकिन सहाबाए किराम क्या करते? नबी की पैदाइश के दिन, जल्दी बोलो, नबी की पैदाइश के दिन सहाबा रोजा रखते थे। क्या रखते थे? जल्दी बोलिए, रोजा। कहिए तो वो हदीस मैं आपको सुनाता हूं। कसम खुदा, इस हदीस को कोई गलत साबित किया तो कसम खुदा मैं तकरीर करना बंद कर दूंगा, मैं तकरीर करना बंद कर दूंगा। या तो आप लोग उनके चक्कर में मत पड़िए, उनके बहकावे में मत आइए। अगर कोई आपको ये कहे कि कौवा कान ले गया तो कौवा को मत देखिए, कान देखिए, ये देखिए कि आपका जो मौलाना बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि नहीं। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं? अरे बोलो, इजाजत है? लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। गौर से सुनो, गौर से सुनो, इधर देखो, माशाल्लाह। बिल्कुल अदब से बैठो, गौर से सुनो। मुस्लिम शरीफ, जोर से बोलो मुस्लिम शरीफ, जिल्द अव्वल यानी जिल्द नंबर 1, पेज नंबर 368, पेज नंबर 368, 368, 368, मुस्तहब रोजे का बयान। किसका बयान? जोर से बोलो, मुस्तहब रोजे का बयान, जहां पर आशूरा के रोजे का जिक्र है, जहां पर जोर से बोलो अरफा के रोजे का जिक्र है, जहां पर जुमरात के रोजे का जिक्र है, वहीं पर यह भी जिक्र है। मैं हदीस सुनाने जा रहा हूं, सुनिए, फिर से हवाला सुनिए। मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1, पेज नंबर 368, 368। अब आप हदीस सुनिए। عن ابي قتاده انصاري رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين عن صوم يوم الاثنين فقال عليه السلام ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه ويوم انزل علي فيه। मतलब सुनिए, एक मर्तबा मेरे नबी से पूछा गया, ए अल्लाह के नबी, आशूरा
की फजीलत हमको मालूम है, अरफा की फजीलत हमको मालूम है, जुमरात का रोज़ा हमें मालूम है, मगर सोमवार को रोज़ा हम लोग क्यों रखते हैं? आखिर आपने सोमवार को रोज़ा रखने का हुक्म दिया, क्यों दिया, क्या वजह है? आशूरा के बारे में हमें मालूम है, अरफा के बारे में मालूम है, जुमरात के बारे में मालूम है, मगर सोमवार के बारे में, पीर के बारे में मालूम नहीं कि रोज़ा रखना कैसा है। तो नबी का जवाब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, सोमवार का रोज़ा बहुत बेहतर है, सवाब का काम है, सोमवार को भी रोज़ा रखा करो। इसी सोमवार के दिन मैं दुनिया में पैदा हुआ, इसी सोमवार के दिन मैंने नबूवत का ऐलान किया, इसी सोमवार के दिन मुझ पर कुरान उतरा। ये तो एक हदीस है, मगर खसाइसे कुबरा जिल्द अव्वल में ये हदीस मौजूद है कि सोमवार के दिन मैं पैदा हुआ, सोमवार के दिन मैंने नबूवत का ऐलान किया, सोमवार के दिन मुझ पर कुरान उतरा। जब मैं मदीना पहुंचा तो सोमवार का दिन था, और जब मेरी मौत होगी, जब मैं दुनिया से जाऊंगा, तो वो भी सोमवार का दिन होगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लगता है आज आप लोग ज्यादा थक गए, अरे बोलो, लेकिन आप नहीं थके, लेकिन आज मैं तो बहुत थक गया। अरे बोलिए, थका कि नहीं? अरे बोलो, थका कि नहीं? अगर थक गए तो मेरा साथ दो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। नबी ने क्या कहा, जल्दी बोलो। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी, आशूरा का रोजा हम लोग रखते हैं, मालूम है कि क्या फजीलत है, आपने बताया है। अरफा का रोजा हम लोग रखते हैं, आपने बताया है। जुमरात को भी हम लोग रोजा रखते हैं, बताया है, लेकिन पीर के दिन रोजा रखना कैसा है? तो नबी ने कहा, पीर के दिन रोजा रखो, पीर के दिन मैं दुनिया में पैदा हुआ। इधर देखिए, पीर के दिन मैं दुनिया में पैदा हुआ, पीर के दिन मैंने नबूवत का ऐलान किया, और पीर के दिन रमजान में मुझ पर कुरान उतरा, और पीर के दिन मैं मदीना पहुंचा, और दुनिया से जाऊंगा भी तो पीर का दिन होगा। ये है मुस्तफा की शान। मीलाद मनाना सहाबा नबी की मोहब्बत में, नबी की पैदाइश की खुशी में, हर सोमवार को, साल में नहीं, अरे हम लोग तो साल में रखते हैं, सहाबा हर सोमवार को, जल्दी बोलो, पीर के दिन हफ्ते में रोजा रखा करते थे। अब आप बताइए कि सोमवार के दिन सहाबा नबी की पैदाइश की खुशी में रोजा रखे, अब बताइए हम लोग रोजा भी रखते हैं, बिरयानी भी खाते हैं, फातिया भी कराते हैं, नियाज भी देते हैं, दोस्त अहबाब को खिलाते हैं, ये सब बोलो खुशी का इजहार है। हाथ उठाकर बोलो, ये सब खुशी का इजहार है, और जो खुशी का इजहार करता है वही नबी का सच्चा गुलाम है। ऐ सुन्नियों, लड़ो मत, झगड़ो मत, मस्जिद को भी आबाद रखो, घर को भी आबाद रखो, सीना को भी आबाद रखो। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, घर आबाद होता है कुरान की तिलावत से, और दिल आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। तो सुन्नी बनकर रहिए, लड़िए मत, झगड़िए मत। कुत्ते अगर भूखते हैं तो कुत्ते को भूखने दीजिए, अगर कोई ये कहे कि कौवा कान ले गया तो कौवा मत देखिए, कान देखिए। आपका आलिम जो आपको बता रहा है, वो लोग तो किस्सा कहानी उर्दू की किताब छोटी छोटी, अरे बोलो, छोटी छोटी, और ये मौलाना आपको मोटी मोटी किताब देख करके जैसे है, बोलो, जितनी हदीस अरबी में मैं सुनाता हूं कोई सुनाता है? अरे बोलो, कोई सुनाता है? सही बताओ, सीने पे हाथ रख के बताओ, उनका मौलवी मीनिंग तो बताएगा। अरे बोलो, तो मीनिंग तो बच्चा भी बोल सकता है। बे पगला, मीनिंग बोलना कमाल तोरे है, बोलो मैं जैसे बोल रहा हूं।
हमारा कलेजा तो बहुत मजबूत है, तुम करोगे ना तो ऐसे फटेगा जैसे गुजरात की जमीन सलसला से फटती है। हाँ, लड़ना नहीं है, समझना नहीं, बोलो लड़ना नहीं है, समझना है, सुन्नी बनकर रहना है, आपस में मोहब्बत से रहना है। इस्लाम में कुछ चीजें जरूरी हैं और कुछ चीजें जरूरी नहीं है मगर जायज हैं। क्या है? नमाज पढ़ना जरूरी। हाथ उठाकर बोलो नमाज पढ़ना। हाथ उठाइए, आप भी हाथ उठाइए, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, जकात देना, कुर्बानी करना, लेकिन इधर देखिए जुलूस निकालना जरूरी नहीं है। इधर देखिए जुलूस निकालना जरूरी नहीं है, झंडा निकालना जरूरी नहीं है, जायज है। क्या है? लेकिन सुनिए, मसला सुन लीजिए, अगर किसी जायज काम को उस बस्ती के लोग नाजायज समझने लगे, क्या करने लगे? अगर किसी जायज काम को नाजायज समझने लगे तो अब वाजिब है कि उस काम को किया जाए। अब क्या हो जाता है, जल्दी बोलो। वाजिब हो जाता है कि उस काम को किया जाए ताकि लोगों से गलत फहमी दूर हो। एक मसला यह हो गया, और दूसरा मसला सुनिए, किसी जायज काम को करने पर अगर लोग वाजिब समझने लगे तो उस जायज काम का करना नाजायज हो जाता है। जैसे फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद बोलो सजदे शुक्र बजा लाना। इधर देखिए तो सजदे शुक्र अदा करना असर के बाद और फजर के बाद मकरूह तहरीमी नाजायज है, क्योंकि तुम सजदे शुक्र अदा करोगे, दुनिया कहीं इसे वाजिब ना समझ ले। इसीलिए कहा गया, इधर देखिए, नमाज में पूरा कुरान आप पढ़ सकते हैं लेकिन सुन्नत यह है, इधर देखिए, कि फजर की नमाज में तिवाले मुफस्सल से पढ़िए, और बोलो फजर की नमाज में तिवाले मुफस्सल से पढ़िए, और असर, और जोर से बोलो जोहर, इसमें किससे पढ़िए, जल्दी बोलो, असर में, जोहर में, ऐशा में, और साते मुफस्सल से पढ़िए, और मगरिब में किसारे मुफस्सल से पढ़िए। आप तो चाहो तो पूरा कुरान पढ़ सकते हो। इसीलिए इधर देखो, नमाज में अगर कोई सूरा मुतायन करके पढ़े, अरे बोलो सूरा मुतायन करके पढ़े तो जायज है, लेकिन वहां पर नाजायज होगा जब लोग उसे वाजिब समझने लगे। गलत फहमी पैदा हो तो फिर मौलाना के लिए मना हो जाएगा। तो मसला यह हुआ कि जायज काम को अगर कहीं नाजायज समझने लगे, जहां के लोग अगर जायज काम को नाजायज समझने लगे, वहां पर उस जायज काम को करना वाजिब है ताकि लोगों से गलत फहमी दूर हो। तो याद रखिए, झंडा लगाना जायज है, अच्छा काम है, बेहतर काम है, उम्दा काम है, सवाब का काम है, नबी की खुशी में, नबी की विलादत की खुशी में हम लगा रहे हैं, ठीक है, वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है, लेकिन अच्छा काम है, बेहतर काम है, हदीस से साबित है, जुलूस निकालना भी हदीस से साबित है, सहाबा ने निकाला, सहाबा ने मिलाद की खुशी मनाई, वाजिब फर्ज तो नहीं है लेकिन अच्छा काम है, बेहतर काम है, सवाब का काम है। अच्छा ये बताइए, नफिल नमाज पढ़ना जरूरी है? अरे बोलो नफिल नमाज पढ़ना जरूरी है? हाथ उठाओ, ये बताओ नमाज कै वक्त की फर्ज है? डॉक्टर साहब बताइए। अरे बोलो नमाज कै वक्त की फर्ज है? हाथ उठाओ, कै वक्त की? ये बताओ, जो आप लोग नफिल पढ़ते हो, नफिल बोलो, जैसे मगरिब के बाद बोलो दो रकअत सुन्नत के बाद नफिल पढ़ते हो, जोहर में पढ़ते हो, अरे बोलो असर से पहले चार रकअत पढ़ते हो, तो ये बताइए नफिल पढ़ना जरूरी है? नफिल पढ़ना जरूरी नहीं है, जायज है, मौका मिले तो पढ़िए, सवाब का काम है। तो जैसे नफिल पढ़ना जरूरी नहीं है, मौका मिले तो पढ़िए, सवाब का काम है, ऐसे ही जुलूस निकालना जायज है, झंडा झंडी लगाना जायज है, फातिया करना जायज है, जरूरी नहीं है मगर अच्छा काम है, बेहतर काम है, सवाब का काम है, नबी की पैदाइश की खुशी में हम लोग कर रहे हैं, और नबी की पैदाइश की खुशी में
अरे झंडी तो छोड़ो, हम करोड़ों रुपए भी दान कर दे तो कम है। इधर देखिए, अल्लाह ने हमको आसमान दिया, एहसान नहीं जतलाया, जमीन दिया, एहसान नहीं जतलाया, पेड़ पौधे दिए, एहसान नहीं जतलाया, लेकिन आपका कुरान कहता है लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इस बासफीहिम रसूला, अल्लाह ने जब रसूल को अपने महबूब को दुनिया में भेजा तो बंदों से कहा, ऐ मेरे बंदो, मैंने किसी चीज को देने पर तुम पर एहसान नहीं जतलाया, लेकिन महबूब को तुम्हारे दरमियान भेज रहा हूं, ये मेरा तुम पर एहसान है, मेरा ये तुम पर एहसान है। तो गोया आसमान से भी अजीम दौलत, जमीन से भी अजीम दौलत, दुनिया की हर चीज से कीमती मेरे लिए मुस्तफा की जात है। बोलो, मुस्तफा की जात है। और जब मुस्तफा की जात है तो मुस्तफा के नाम पर तन मन धन सब हम कुर्बान करें, कितनों कुर्बान करें कम है। अल्लाह ताला आपको हमको सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। सब लोग नमाज पढ़िए, रोज़ा रखिए, मोहब्बत से रहिए, शराब जुआ सट्टा से बचिए, बुरे कामों से बचिए, माँ बाप की सेवा कीजिए, अपनी बोलो अपने भाई बहनों का ख्याल रखिए, अपने बड़ों से अपने बुजुर्गों से मोहब्बत कीजिए, और कोई भी काम अपने माँ बाप के बगैर मशवरा के मत कीजिए। अपने उलमा से मोहब्बत कीजिए, मदरसा को आगे बढ़ाइए, मदरसा आगे बढ़ेगा दीन आगे बढ़ेगा, मदरसा आगे बढ़ेगा, जोर से बोलो इस्लाम आगे बढ़ेगा। इस्लाम कैसे बढ़ा? मदरसों का सदका है। दीन कैसे बढ़ा? मदरसों का सदका है। गौसे आजम इसी मदरसे में पढ़े, जोर से बोलो, गौसे आजम भी मदरसे के पढ़े हुए, गरीब नवाज भी मदरसे के पढ़े हुए, आला हजरत भी मदरसे के पढ़े हुए, पीराने पीर भी मदरसे के पढ़े हुए, ये जितने बुजुर्गाने दीन दुनिया में लेटे हैं ये सब मदरसे ही की देन है। अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, डीएम कलेक्टर भी बनाओ, एसपी डीएसपी भी बनाओ, लेकिन साथ ही साथ अपने बच्चों को दीन की तालीम भी दो, कुरान भी पढ़ाओ, उर्दू भी पढ़ाओ, कम से कम इतना तो जरूर दीन सिखाओ कि तुम्हारा बच्चा नमाज रोजा हज ज़कात ज़रूरियात दीन को पहचान सके। अल्लाह ताला आपको हमको सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। आइए सलातो सलाम पर।